Hello everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for financial reporting, paper from ACT qualification. Or today we are going to learn about IS 16 के साथ deferred tax को देखना है आज हमने, क्योंकि last video में हमने देखा था कि commission income से किस तरह से temporary difference arise होता है deferred tax के अंदर. तो आज हम depreciation की वजह से किस तरह से temporary difference arise होता है उसको देखेंगे और जो है इसको समझेंगे. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि मेरा हर एग्जाम फोकस पॉइंट आप तक पहुंच सके. और अगर आप न्यू टू चैनल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. तो आए शुरू करते हैं. जैसे कि मैंने कहा कि आज हम वीडियो में IS 16 को देखने वाले हैं, यानी कि डेफर टैक्स के अंदर जो टेम्पररी डिफरेंस अराइज होता है डेफर टैक्स के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि डेफर टैक्स मतलब एक फ्यूचर टैक्स है जो आप पे करेंगे या फिर आप जो है उसको जो है पे नहीं करेंगे. मतलब आप ज़्यादा पे कर चुके होंगे या कम पे कर चुके होंगे, दोनों. यानी कि डेफर टैक्स एसेट भी अराइज हो सकता है, डेफर टैक्स लाइबिलिटी भी अराइज हो सकती है. तो हम आज देखने वाले हैं कि डेप्रिसिएशन से किस तरह से ये चीज़ होती है. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, कि एक होता है डेफर टैक्स एसेट और एक होता है डेफर टैक्स लाइबिलिटी. डेफर टैक्स एसेट ये होता है कि एक तरह से आपका एसेट है, यानी आपने एक साल में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया, अब आपका वो एसेट है. एक तरह से जैसे हम रिसीवल को समझते हैं ना, अगर रिसीवल हमारा क्या होता है कि हमने कोई अमाउंट किसी को दिया हुआ है और हमें लेना है उससे, तो डेफर टैक्स तो वो हमारा रिसीवल होता है. तो इसी तरीके से डेफर टैक्स एसेट होता है कि हमने टैक्स अथॉरिटीज़ को ज़्यादा पे किया हुआ है और वो हमारा डेफर टैक्स एसेट है और फ्यूचर में जाके वो ख़त्म हो जाएगा. इसी तरह डेफर टैक्स लाइबिलिटी है, यानी कि हमने एक साल में कम पे किया और हमें मजीद ज़्यादा पे करना है, तो दैट इज़ योर डेफर टैक्स लाइबिलिटी. जिस तरह से हमारा पेबल का कॉन्सेप्ट होता है, आप उसी तरह से इसको भी समझ सकते हैं. तो आए इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि किस तरीके से डेप्रिसिएशन डेफर टैक्स, और डेफर टैक्स तो नहीं कहेंगे इसको हम, टेम्पररी डिफरेंस इसकी वजह से अराइज होता है डेप्रिसिएशन की वजह से, और किस तरीके से टेम्पररी डिफरेंस या आप सो क्या कहें टाइमिंग डिफरेंस भी कहते हैं अराइज होता है, तो उसको समझते हैं. तो ये एक मैंने एग्जाम्पल ली हुई है हमेशा की तरह, पहले से सॉल्व की हुई है, कि एक हमारे पास कॉस्ट ऑफ द एसेट है $90 million की वैल्यू है, कॉस्ट है. और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि टैक्स डेप्रिसिएशन, यानी कि जो टैक्स अथॉरिटीज होती हैं उनकी डेप्रिसिएशन डिफरेंट होती है नॉर्मली, और हमारी अकाउंटिंग रूल्स डिफरेंट होते हैं. तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन मैंने लाइफ 3 years ली हुई है और टैक्स रेट मैंने यहाँ 30% लिया हुआ है. ठीक है जी, 90 million कॉस्ट ऑफ द एसेट है, यानी कि जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो 25% है, यानी कि ये जो एसेट है फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा आफ्टर 4 years, यानी कि 25, 25, 25 and 25, 4 years के बाद एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा एज पर द टैक्स अथॉरिटीज. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. दूसरी, और हमारे हिसाब से लाइफ 3 years है, यानी कि जो 90 million है वो आफ्टर 3 years ख़त्म हो जाएंगे. तो इसकी वजह से डिफरेंस अराइज हो रहा है क्योंकि दोनों के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन डिफरेंट है. तो ईयर वन को लेके चलते हैं और देखते हैं क्या आता है, कि फॉर एग्जांपल ईयर वन था और फाइनेंस और अकाउंटिंग यानी हमारे नंबर्स के हिसाब से जो प्रॉफिट था वो 100 था, टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से भी 100 million है, दोनों के हिसाब से 100 million है. डेप्रिसिएशन जब हमने कैलकुलेट की तो हमारी आई 30, और जब टैक्स अथॉरिटीज ने कैलकुलेट की तो उनकी आई 22.5 और 23. जब आप 25% को अप्लाई करेंगे 90 पे तो आपका तकरीबन इतना ही अमाउंट आ रहेगा. ये मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, 90 × 25% = 22.5 और you can say 23. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे प्रॉफिट्स जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हैं वो 70 हो गए और यहाँ पे 77.5 हो गए. जब हमने टैक्स रेट अप्लाई किया तो हमारा टैक्स आ रहा है हमारे हिसाब से 21 और टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से आ रहा है 23.3. इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़्यादा पे करना है, हमने एस्टीमेट कम किया था और हमें ज़्यादा पे करना है. ठीक है, हमें ज़्यादा पे करना है और टैक्स अथॉरिटीज के हिसाब से ये ज़्यादा है क्योंकि, और हमारे हिसाब से ये कम था, तो हमें $2.25 million का ज़्यादा पे करना पड़ेगा. इसी तरह सेकंड ईयर में चलते हैं, सेकंड ईयर में अगर हम देखते हैं तो अगेन इस दफ़ा मैंने प्रॉफिट्स 200 लिए हैं, 200 million dollars, और ये भी 200 million dollars इसको अज्यूम कर रहे हैं. डेप्रिसिएशन अगेन हमारी सेम होगी क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन बेसिस को हम फॉलो कर रहे हैं, और उनके हिसाब से जैसे कि 25% था उन्होंने 25% फॉलो की हुई है.
और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट में अगेन डिफरेंस आ गया है, 30% अप्लाई किया और हमारे पास आ गया 51, इधर आ गया 53.25, अगेन डिफरेंस इज डॉलर 2.25 मिलियन। इसी तरीके से अगर हम ईयर थ्री पे चलते हैं, तो आप ईयर थ्री पे भी देख सकते हैं, तो ईयर थ्री में क्या होगा कि अकाउंटिंग हिसाब से जो एसेट है वो कम्प्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगा, फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट फॉर एग्जांपल 300 मिलियन डॉलर्स हैं और डेप्रिसिएशन हमने 30 ली, अगेन 22.3 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा और 23 राउंड ऑफ करके, पीबीटी हमारे 277.5, अगेन टैक्स रेट हमने अप्लाई किया और टैक्स ऑफ द फॉर द ईयर हमारा आया 81 मिलियन डॉलर्स, ठीक है, और इनका है 83.25, अगेन द डिफरेंस इज द सेम डॉलर 2.25, ठीक है। इन टोटेलिटी अगर हम देखें तो ये हमारा डॉलर 6.75 मिलियन डॉलर्स का जो है शॉर्टफॉल है, जो कि हमने अभी तक कम एस्टिमेट किया, तो हम ज़्यादा पे किए जा रहे हैं। अब इधर आते हैं ईयर फोर पे। ईयर फोर पे देखें कहानी चेंज हुई, क्योंकि फाइनेंस और यानी हमारे हिसाब से अकाउंटेंट्स के हिसाब से जो आपका डेप्रिसिएशन है वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमारे हिसाब से एसेट फुली डेप्रिशिएट हो चुका है और प्रॉफिट 400 मिलियन डॉलर्स हैं दोनों तरफ, दोनों ने अज्यूम कर लिया, लेकिन ये अभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे क्योंकि इनका रेट थोड़ा कम था, हमारा थोड़ा ज़्यादा था। तो आप देख सकते हैं कि अगेन डिफरेंस हो गए और रेट जब हमने टैक्स रेट अप्लाई किया तो 120 और 113.25, और आप देख सकते हैं इस दफ़ा ये पॉजिटिव डॉलर 6.75 है, जो आज तक हमने कम तो नहीं किया, हमने ज़्यादा पे किया था, वो इस ईयर में आके हम कम पे करेंगे ईयर फोर में आके। और अगर आप देखें तो ये टेम्प्रेरी डिफरेंस था ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, ड्यू टू टैक्स रेट्स डिफरेंट डेप्रिसिएशन रेट्स, और अब ये हमारा इक्वल हो गया है, यानी कि कह सकते हैं कि शुरू के तीन साल में हमने ज़्यादा पे किया और एस्टीमेट कम किया था, लेकिन ज़्यादा पे किया और यहाँ पर आकर हम अब कम पे कर रहे होंगे। तो इस तरीके से जो टाइमिंग डिफरेंस था वो ख़त्म हो गया और जो टेम्प्रेरी डिफरेंस था वो भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से डेफर टैक्स के अंदर टेम्प्रेरी डिफरेंस होता है और जस्ट ड्यू टू डिफरेंट अजम्पशंस हमारे अंदर जो है एक तरह से आप कह सकते हैं डिफरेंसेस आ रहे होते हैं और जो है टैक्स अथॉरिटीज और अकाउंटिंग के दरमियान। ठीक है जी, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा आसान था इतना करना। अच्छा, सवाल यहाँ पर एक जनरेट और होता है, कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर हमारा जो एसेट है वो हमने चार साल तक नहीं लिखे गए, मतलब बिल्कुल ही लास्ट ईयर तक हम नहीं गए, उसको उससे पहले ही भेज दिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जैसे लेता हूँ कि मैंने अगर एसेट फॉर एग्जांपल दो साल के मतलब सेकंड ईयर के एंड पे यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मैंने आके एसेट को भेज दिया, तो क्या टेम्प्रेरी डिफरेंस अराइज होगा या नहीं होगा? तो आंसर है बिल्कुल टेम्प्रेरी डिफरेंस अराइज होगा, 100% होगा, और देयर वुड ऑलवेज बी अ टेम्प्रेरी डिफरेंस, हमेशा वहाँ पर टेम्प्रेरी डिफरेंस मौजूद रहेगा। वो किस तरीके से होगा देखें, फॉर एग्जांपल डिस्पोजल प्रोसीड्स आपके एसेट के थे, आफ्टर टू इयर्स आपने बेचना चाहा और 100 मिलियन डॉलर्स का आपने किया, ठीक है, नेट बुक वैल्यू आपके एसेट की 30 थी, कैसे अकाउंटिंग हिसाब से 90 माइनस आफ्टर टू ईयर 60 इज 30, और इसी तरीके से अगर हम इसको देखें तो दो साल की आप अगर माइनस कर देंगे तो 45 बनेगी, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका ये आया, आपने टैक्स रेट अप्लाई किया, टैक्स फॉर द ईयर आपका बन रहा है 21 और इधर कितना बन रहा है 16.5, यानी कि अगर आप इन दोनों को भी टोटल करें नेगेटिव में, यानी कि आपने ज़्यादा पे किया था एज पर द टैक्स अथॉरिटीज, रिटर्न में ज़्यादा अमाउंट आया था, नेगेटिव में 2.25, और ये देखें आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव है 4.50, यानी कि आप 4.50 से अब टैक्स कम पे कर रहे हैं एट द एंड ऑफ ईयर टू आफ्टर सेलिंग योर एसेट, जब आपने एसेट को बेचा तो आप जो है कम पे कर रहे हैं। और अगर आप देखें तो दोनों चीज़ें इक्वल हैं, 4.5 है वहाँ, नेगेटिव 4.5 था, इधर पॉजिटिव 4.5 है। तो इस तरीके से टेम्प्रेरी डिफरेंस अराइज होता है और टाइमिंग डिफरेंस अराइज होता है। होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें विद योर फ्रेंड्स जो भी ये कर रहे हैं या फिर कोई और भी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी ये रेलेवेंट है, तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें,
ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आई विल बी हियर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।